आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिबर्टी की लालटेन के 607वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी के संबंध में। राहुल गांधी जिस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं और जिस तरीके से उनके द्वारा जो चीजें की जा रही हैं वो कांग्रेस के लिए लाभदायक है या कांग्रेस के लिए हानिकारक है। राहुल गांधी के वक्तव्य पर मौन क्यों है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस में भगदड़ मची होने के बाद भी राहुल गांधी मौन है। राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों मौन हैं। लोगों को आशंका है कि 2024 के बाद कहीं विपक्ष का नामो निशान ही न मिट जाए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4 दशकों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चाहे जो भी काबिज रहा हो पर कांग्रेस का वीटो पावर कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार के हाथ में ही रहता आया है। वर्तमान में भी कमोबेश यही होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता एक के बाद एक पार्टी को अलविदा कहते जा रहे हैं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना मौन अभी तक नहीं तोड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनके द्वारा मौन अभी तक नहीं तोड़ा गया है। यही कारण है कि देशवासियों की नजरें एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जाकर टिक गई हैं। 2016 से 2020 के बीच पार्टियों में सबसे ज्यादा भगदड़ मची 16 से 20 के बीच में। इसमें सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के गए हैं। कांग्रेस के लगभग 170 विधायक खोए हैं कांग्रेस ने, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ 18 विधायक ही भाजपा छोड़कर गए हैं। वैसे तो पार्टी में मनवांछित पद न मिलने के कारण मोहभंग की बात आम हो जाती है पर लोगों के बीच अब ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या यह स्थायी तौर पर पतन के संकेत हैं। ये बात चर्चा में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा विजय बहुगुणा ने मई 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसएन कृष्णा ने 2017 में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने 2023 में, उत्तर प्रदेश के छत्तर रहे नारायण दत्त तिवारी ने 2017 में, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू जो पहले खाटी कांग्रेसी रहे हैं उन्होंने 2016 दिसंबर में, नारायण राणे जो महाराष्ट्र के थे सितंबर 2017 में कांग्रेस को छोड़ा और 2019 में भाजपा के हो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह 2021 में, पहले उन्होंने लोक कांग्रेस का गठन किया, 2022 में पीएलसी का गठन किया और उसके बाद उसे भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और भाजपा का झंडा थाम लिया है। 1995 में, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 1995 में नारायण दत्त तिवारी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, मोहसिना किदवई आदि ने एक साथ मिलकर तिवारी कांग्रेस का गठन किया था, आपको याद होगा। केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़ी, भाजपा के हो गए। कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने फरवरी 2022 में कांग्रेस का टाटा कहा। जून 2021 में राहुल गांधी की किचन कैबिनेट के अहम सदस्य माने जाने वाले जतिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का दामन थाम लिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मई 2022 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। इसी तरह जो हम आपको बता रहे हैं, इसी तरह गुजरात के पाटीदार बाहुल्य गुजरात है, गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को राहुल गांधी खुद 2019 में कांग्रेस लेकर आए थे, उन्होंने मई 2022 में कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के छत्रप रहे एके एंटोनी रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनके पुत्र अनिल एंटोनी ने जनवरी 2023 में कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मई 2022 में कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और समाजवादी पार्टी के समर्थन के बतौर वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा पहुंचे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इसी साल 14 जनवरी को कांग्रेस छोड़ी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अगस्त 2022 में कांग्रेस छोड़ी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया कांग्रेस के छत्रप हुआ करते थे और माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस से विदा ली। सोचना चाहिए कांग्रेस के आला नेताओं को, इतनी भगदड़ आखिर क्यों मची हुई है? आखिर कांग्रेस के जो नीति निर्धारक हैं उनके सलाहकार आखिर कौन है? राहुल गांधी के सलाहकार कौन है? सोनिया गांधी के सलाहकार कौन है? अहमद पटेल जब तक थे तब तक इस तरह की स्थितियां कम ही दिखाई देती थी। ये पूरा लेखा जोखा पिछले लगभग डेढ़ दशक का है। इसके पहले के आंकड़ों पर अगर गौर फरमाए तो कांग्रेस के नेता टूट कर गए, किंतु वर्तमान में जिस तरह कांग्रेस के नेता एक के बाद एक जा रहे हैं उस पर कांग्रेस नेतृत्व को निश्चित तौर पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह शांत बैठे हैं, वह किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा जैसे नेताओं को अगर कांग्रेस से जाना है तो वे कांग्रेस छोड़कर उन्हें कांग्रेस छोड़ ही देना चाहिए, जिसे जाना हो जाए, जिसे रहना हो रहे। आखिर राहुल गांधी के इस तरह के वक्तव्य क्या अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आते? कांग्रेस के आला नेताओं के बीच चल रही चर्चाओं पर अगर यकीन किया जाए तो लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चाहिए था कि वे लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अपने आप को पूरी तरह झोंक देते। आम चुनावों में कांग्रेस का परचम कैसे लहराएगा, इसके लिए रणनीति तैयार की। अपने निजी सर्वेक्षण जो काम है नेताओं के, उसके आधार पर उम्मीदवारों के नाम, लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाते। बजाय इसके राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले। हमारी नितांत निजी राय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्हें पहले निकाल लेनी चाहिए थी। उनके सलाहकारों को निश्चित तौर पर उसके पहले ही इसे निकालने का मशवरा दिया जाना चाहिए था और जनवरी माह के अंत तक या गणतंत्र दिवस पर इसे समाप्त इसका समापन कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद लोकसभा की तैयारियां आरंभ होती। देखा जाए तो किसी भी दल में इस बात का विशेष महत्व होता है कि किस पदाधिकारी को मीडिया के सामने वक्तव्य देने के लिए अधिकृत किया गया है, अन्यथा पार्टी लाइन से हटकर वक्तव्य देने की से पार्टी की किरकिरी होती है। इसके लिए बकायदा प्रवक्ता का एक पद हर पार्टी में होता है। कांग्रेस में अगर देखा जाए तो प्रवक्ताओं के अलावा राहुल गांधी वक्तव्य दे रहे हैं। उनके वक्तव्य, जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, कांग्रेस के लिए हितकारी हैं या घातक, इस बात पर कांग्रेस के आला नेताओं को, कांग्रेस को विचार करना चाहिए। पर जिस तरह राहुल गांधी के जिस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया में राहुल गांधी के बयानों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए उचित नहीं ही माना जा सकता है। हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की उत्तर प्रदेश में चल रही है, वाराणसी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मीडिया हाउसेस को अडानी और अंबानी का करार देते हुए कहा कि कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय, जो अमिताभ बच्चन की बहू है, अभिनेता अभिषेक बच्चन की पत्नी है, राज्यसभा सदस्य जया बच्चन की बहू है, अगर कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है और नरेंद्र मोदी को 24 घंटे दिखाना है। राहुल गांधी के इस बयान की सोशल मीडिया पर व्यापक स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने इस तरह का बयान क्यों दिया, यह बात तो वे ही जाने, पर इस तरह के बयान चीप पब्लिसिटी स्टंट भी करार देने से लोग नहीं चूक रहे हैं। राहुल गांधी के इस तरह के बयान तालियां जरूर बटोर सकते हैं, पर एलीट क्लास सभ्य लोग उनके बीच में इस तरह के बयानों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक विवादित बयान और दिया है। मीडिया चैनल्स में दिखाए जाने वाले एक वीडियो में राहुल गांधी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि वे वाराणसी गए और रात में 1 बजे शराब पिए सड़क पर लेटते हुए उत्तर प्रदेश का भविष्य शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां शराब बंदी है नहीं,
तो इस तरीके के बयान देने का औचित्य समझ से परे है। राहुल गांधी के भाषण कौन तैयार कर रहा है, इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। साथ ही इस बारे में विचार करना चाहिए कि राहुल गांधी के द्वारा दिए जाने वाले बयानों से कांग्रेस को फायदा पहुंच रहा है, फायदा हो रहा है, अथवा नुकसान। किसी भी दल के अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष का ये दायित्व होता है कि वो पार्टी हित में जो भी है वो जरूरी कदम उठाए, इसके साथ ही अनर्गल बयानबाजी पर लगाम लगाने के रास्ते भी प्रशस्त किए जाने चाहिए। कांग्रेस की आईटी सेल को सक्रिय किया जाना चाहिए। लिमटी की लालटेन के 607वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना हो तो सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर से देख सकते हैं। आपको अगर ये खबरें और लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख कर बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, आप और क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 608वें एपिसोड को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।